वी विल मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू, हम इसके सपनों को पूरा करेंगे। ये शब्द थे 12 साल से निसंतान अमेरिकन दंपति माइकल कोरी और इरिका के। जिला न्यायालय परिसर में गुरुवार को जैसे ही दोनों ने 1.5 साल की कुपोषित बालिका इशिता के गोदनामे को लेकर वात्सल्य गृह संस्था से एग्रीमेंट किया, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों सात समंदर पार अमेरिका के शहर मिसिसी से यहाँ आए थे। 19 माह पहले इशिता कचरे के ढेर से मिली थी, जिसकी परवरिश नीमच की संस्था वात्सल्य में हुई। इस साल तीसरी बच्चे विदेश पहुंची है। इससे पहले दो बेटियों को दुबई और यूरोप से आए परिवार ले जा चुके हैं। इस बार अमेरिकन दंपत्ति सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी के जरिए नीमच की संस्था से संपर्क में आए और इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी की। अमेरिका के मिसिसी निवासी माइकल कोरी और पत्नी इरिका का विवाह 2007 में हुआ था। 12 साल से संतान नहीं थी। माइकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट है। पिछले दिनों वे केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंध सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के माध्यम से नीमच में संचालित वात्सल्य गृह के संपर्क में आए। वेबसाइट के जरिए निराश्रित बालिकाओं की जानकारी ली। इशिता मार्च 2018 में कचरे के ढेर में लहूलुहान व प्री मैच्योर हालत में मिली थी, जिसे अब इस अमेरिकन दंपति ने गोद ले लिया है और ये कहा है कि हम इसके सारे सपने पूरे करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।